नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का एक इलाका संजौली आज पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। सैकड़ों हिंदूवादी प्रदर्शनकारी शिमला में संजौली की मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। इस अवैध निर्माण के आरोपों का मुद्दा हिमाचल की विधानसभा में उठने से तूल पकड़ चुका है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, जिसका मुकदमा 2010 से चल रहा है, लेकिन 2010 से 2019 के बीच अवैध तरीके से मस्जिद 4 मंजिला बन गई। उन्होंने विधानसभा में ये भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में रोज रोहिंग्या और जमात वाले घुस रहे हैं। हिमाचल के मंत्री के इस तेवर पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी का बयान है, क्या हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत, ये वीडियो में हिमाचल का मंत्री भाजपा की जुबान में बोल रहा है। संघियों के सम्मान में कांग्रेसी मैदान में, भारत के नागरिक मुल्क की किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, उन्हें रोहिंग्या और बाहरी बुलाना देश विरोधी है। हालांकि मामला बढ़ने के बाद आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान है कि किसी मंत्री ने क्या बयान दिया, हमको इसमें नहीं जाना चाहिए, उनको भी संयम रखना चाहिए, यानी कि मामला कंट्रोल करने की कोशिश। सवाल पब्लिक का है कि क्या संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण के आरोपों पर मजहब ढूंढा जा रहा है? हिमाचल में आज अवैध निर्माण के आरोपों पर नफरत वाला एंगल देखा गया तो उधर यूपी में हुए एनकाउंटर में अखिलेश यादव ने जाति देख ली। एनकाउंटर में जाति कार्ड आने का ये पूरा मामला आगे बताऊंगी, लेकिन अवैध निर्माण में धर्म और अपराधी के एनकाउंटर में जाति देखने की ये पॉलिटिक्स है क्या? मोहब्बत की दुकान में अवैध पर फैक्ट्री या नफरत, यही है आज सवाल पब्लिक का। शिमला के संजौली की जिस मस्जिद पर विवाद हो रहा है, वहां उस इलाके में कुछ दिनों पहले दो पक्षों में सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की और 6 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें 2 नाबालिग भी हैं। लेकिन हिंदू पक्ष के लोग मान रहे हैं कि संजौली में इस तनाव के पीछे मस्जिद और वहां बढ़ रहा मुस्लिम आबादी, इसलिए पहले से अवैध मानी जा रही मस्जिद को गिराने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इसके बाद बीजेपी विधायक बलबीर सिंह ने विधानसभा में संजौली मस्जिद का मसला उठा दिया। उनके जवाब में हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जो कहा, उसके बाद पूरे देश को संजौली का विवाद पता चल गया है। सुनिए अनिरुद्ध सिंह, कांग्रेस के नेता और मंत्री का ये बयान। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहाँ सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई, तो क्या प्रशासन से मंजूरी ले गई मस्जिद खोलने की? यहाँ एक बार कोई मंदिर खुले तब जो है प्रशासन पहुंच जाता है। बार बार जो है आ रहा है कि ये तो अवैध है, तो गिराओ। बिजली पानी दूसरों को काट देते हैं, हर किसी का बिजली पानी काट देते हैं, एक छज्जा बढ़ाने के लिए भी, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है तो उनका काट। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के बोला। किसी अवैध मस्जिद पर किसी कांग्रेस सरकार के मंत्री का ये तेवर बहुत रेयर है, कभी नहीं देखा होगा आपने। इसलिए ओवैसी को ये कहने का मौका मिला है कि हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत, सांप्रदायिकता को खुलकर आने में लज्जा आती है, इसलिए वो कांग्रेस का शॉल ओढ़कर आती है। इस बीच जब मुख्यमंत्री सुक्खू, जो कल विधानसभा में अनिरुद्ध सिंह के बयान के समय सोते नजर आ रहे हैं, आज उन्होंने संयम की बात की। लेकिन अनिरुद्ध सिंह आज संजौली इलाके में गए, उन्होंने
साफ कहा कि मस्जिद और मंदिर की बात नहीं है, बात है वो अवैध है, जल्द ही कार्रवाई होगी। दस्तावेजों में जमीन पर हिमाचल सरकार का मालिकाना हक है, जबकि वक्फ बोर्ड का उस पर कब्जा दिखाया गया है। इस बीच मस्जिद को अवैध बताकर विरोध करने वाले संजौली के लोग क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनवाती। हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत है क्योंकि लोग यहाँ पे खड़े होके, हमारा घर ये सामने ही है, यहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं और कमेंट पास करते हैं और बोलते हैं कि हमारी नजरें हैं, हम जो मर्जी कर सकते हैं, तुम्हार को क्या है। इसलिए हमारे को वहाँ पे अपने कर्टन बंद करके रहना पड़ता है। पुराने टाइम में भी लोग नमाज पढ़ते थे, 8-10 लोग, 15-20 फैमिलीज होती थी, आते थे जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी भी है वो लोग, पर वो लोग यहाँ नजर नहीं आते। अब तो सारे नए चेहरे नजर आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग बाहर से हैं। और ये टॉयलेट्स हैं, इसके डोर ओपन रखे, इनके टॉयलेट्स के जो डोर है वो हमारे विंडो की तरफ है, तो ये डोर जब वजू करते हैं, 5 टाइम आते हैं वजू करने के लिए, तो ये डोर खुले रखते हैं। टॉयलेट्स यूज करते हैं, ओपन टॉयलेट यूज करते हैं, डोर बंद नहीं करते, वो भी हम इनको बोल के डोर बंद करवाते हैं। हिमाचल के संजौली में अवैध निर्माण के आरोपों पर मजहब आ गया तो यूपी में एक पुलिस एनकाउंटर में जाति ढूंढी गई है। यूपी के सुल्तानपुर में 28 अगस्त को ज्वेलरी शॉप पर हुई डकैती के आरोपी मंगेश यादव का आज सुबह एनकाउंटर का दावा यूपी पुलिस ने किया। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। ज्वेलरी शॉप से 1.5 करोड़ कैश और ज्वेलरी की लूट के अगले दिन वारदात के मास्टरमाइंड बताए जा रहे विपिन सिंह नाम के आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया था। दुर्गेश प्रताप सिंह नाम का आरोपी भी कोर्ट में सरेंडर कर चुका है। मंगलवार को पुलिस ने पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी उर्फ लाला और सचिन सिंह नाम के 3 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। लूटकांड के 4th आरोपी अभी भी फरार है। तो आज सवाल पब्लिक पूछ रही है और पब्लिक का सवाल नंबर 1, अवैध निर्माण के मसले पर ओवैसी को मोहब्बत की दुकान में नफरत क्यों दिख रही है? क्या पहाड़ी राज्यों की डेमोग्राफी बदलने का खुला खेल हो रहा है? अपनी सरकार के मंत्री का साथ देंगे राहुल गांधी? क्या अवैध निर्माण के आरोपों पर धर्म और माफिया के एनकाउंटर पर जाति पूछी जा सकती है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, कमलाकर त्रिपाठी नेता है कांग्रेस पार्टी के, तारिक खान प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हाजी मेहरदीन रंगरेज प्रवक्ता है AIMIM के, डॉक्टर सईद रिजवान अहमद राजनीतिक विश्लेषक और एडवोकेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी भी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है। लेकिन कमलाकर त्रिपाठी जी, आज मैं पहला सवाल आपसे ही पूछूंगी। अब डेमोग्राफी चेंज की बात तो मंत्री आपके कह रहे हैं हिमाचल में, अवैध मस्जिद की बात भी वही कर रहे हैं कि जो सरकारी जमीन है उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर अवैध कब्जा हुआ है किसी जमीन पर, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, इसमें धर्म कहाँ से आ जाता है और धर्म की बात कहाँ से आ जाती है? क्या कोई अवैध कंस्ट्रक्शन धर्म मानता है या कानून मानता है और लिखा पढ़ी मानता है, संविधान मानता है? देखिए नाविका जी, कोई भी चीज जो इलीगल है उसकी तो कोई पैरवी करेगा नहीं, और हमारे मंत्री ने किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक बयान तो दिया नहीं। आप दूसरे के बयानों की बात करेंगे तो उस पर मैं कोई टिप्पणी करने का अपने आप को उपयुक्त नहीं समझता हूं। बात इस बात की है कि चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, लेकिन यहां स्थितियां ये हैं कि बनारस में तो जो वैध मंदिर थे, 2000 साल पुराने मंदिर थे, कॉरिडोर के नाम पर वो गिरा दिए गए थे, वो ध्वस्त कर दिया गया था, 56 विनायक ध्वस्त कर दिए गए थे, न जाने कितने पुराने पुराने मंदिर जो है। और आज की डेट में आप जब आप पिक एंड चूज करके कोई भी काम करते हो,
जब आप अभी महाकुंभ का नाम, महाकुंभ में शाही स्नान का नाम बदल करके आया कि राजसी स्नान होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या स्नान में अंतर आ जाएगा? आपको पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए आप इस तरह के आडंबर करते हो। कांग्रेस ने कभी भी इस तरह की राजनीति की बात ही नहीं की। जो भी चीज अवैध है, गलत है, वो गलत तरीके से ट्रीट होनी है, उसको तो सही किया जाना चाहिए। से अगर थी तो मुख्यमंत्री ने क्यों कहा संयम बरतना चाहिए? हिमाचल की बात आप कर नहीं रहे, आपको बनारस याद आने लगता है, आपको तमाम देश के दूसरे इलाके याद आने लगते हैं। लेकिन पूछूंगी राकेश त्रिपाठी जी आपसे, अब कमलाकर त्रिपाठी जी आपके 60 सेकंड हो गए पूरे, अब राकेश त्रिपाठी जी से सवाल पूछूंगी। राकेश त्रिपाठी जी, अब डिफेंस में भी कांग्रेस पार्टी, ऑफेंस में भी कांग्रेस पार्टी, उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं अवैध है, इसको हटा दिया जाएगा, उन्हीं के मुख्यमंत्री कह रहे, अरे भाई ये तो पूरे फॉर्मूला देश में अपीजमेंट का जो चल रहा है उसका क्या होगा। अब कांग्रेस में ही जब दो फांक हो गई है तो मुझे ये बताइए कि अवैध में धर्म कहां से घुस गया? लेकिन अविका, पहले ही सवाल में आज गला सूखने लगा कांग्रेस के प्रवक्ता का। सवाल कठिन था, मैं जानता हूं कि हिमाचल की परिस्थितियां भिन्न है, क्योंकि हिमाचल में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी नहीं है, वोट बैंक नहीं है, इसलिए हिमाचल के कांग्रेस के मंत्री ने वहां सच स्वीकार कर लिया कि मस्जिद अवैध तरीके से बना हुआ है, अवैध जमीन पर बना हुआ है। लेकिन अब इस सच को देश भर में कांग्रेस स्वीकार नहीं कर सकती है, क्योंकि देश भर में तो उनका एजेंडा यही है, वो इस बात के लिए मानते हैं कि ये तो बात भारतीय जनता पार्टी करती रही है, ये बात कांग्रेस ने कैसे कर दी। तो ये बात ना उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है, इसलिए कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल है। हम इस बात को बार बार दोहराते रहे हैं कि कोई भी बिल्डिंग इलीगल तरीके से बनी है तो निश्चित तौर पर उसको विधि की परिधि के दायरे में बुलडोजर से ढहा देना चाहिए, कानून सम्मत तरीके से उसको गिरा देना चाहिए। अवैध कुछ भी बर्दाश्त इस देश में नहीं किया जाना चाहिए, जो वैध होगा वो चलेगा। अवैध किसी प्रकार की गतिविधि में संलिप्त कोई भी व्यक्ति हो उस पर कार्रवाई होगी, बिना जाति देखे, बिना मजहब देखे, बिना उसका किसी राजनीतिक पक्ष पार्टी से जुड़ाव देखे हुए, बिना कोई भेदभाव के, बिना पारदर्शिता के साथ, ये भारतीय जनता पार्टी कहती रही है। लेकिन अब तक कांग्रेस कम्युनल बताती थी, आज फंस गए हैं। हिमाचल में इनके ही मंत्री ने आज जब ये बात कह दी तो देश भर में कांग्रेस के लिए कहने के लिए अब कोई लाइन नहीं बची है, तो गला सूख रहा है। तो इसीलिए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पकड़ ली इनकी बात। आज सिर्फ बीजेपी सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, आज कांग्रेस भी डिक्लेयर हो गई है कि वो भी सेक्युलर नहीं है, वो भी सांप्रदायिक काम करती है। अब मुझे ये बताइए कि अवैध या वैध में कोई फर्क होता है या नहीं? और असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब, तो सब जगह कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कॉपी उठा के घूमते हैं। अब अगर अवैध है, रूल्स के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, तो उनको मजहब क्यों नजर आ रहा है? लेकिन नविता जी, हिमाचल के जो हमारे मंत्री हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि ये अवैध है, और उनके पास कहां से ये ऑथेंटिक इनके पास रिपोर्ट है वो गलत, और ये सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं। और दूसरा, ये जो नफरत की राजनीति भाजपा चाहती थी, तुष्टिकरण कर रही थी जो कि हमारे हिंदू भाइयों का, अब कांग्रेस ने भी उसमें जो है छलांग लगा ली। अब कांग्रेस भी हिंदू तुष्टिकरण की राजनीति में आ गई है, और उसका जीती जाती जो मिसाल है वो जो है ये हिमाचल है, आप देखिए। और कांग्रेस का ही सरकार तेलंगाना में, वहां पर भी मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा। तो ये सरकार जो कांग्रेस की सरकार है वहां पर, मैं कहता हूँ सबसे पहले तो ऐसे संघी लोगों को जो आपने अपनी पार्टी में रख रखा है उनको बाहर निकालिए, उनका इस्तीफा लीजिए। अगर आप बात करते हैं सबकी, सबके साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की, और मुसलमान जो है हमारे सारे भाई आपको भर भर के वोट दे रहे हैं, और आप जब उनके मुद्दे की बात आती है तो आप पहुंच जाते हैं कि आप कहते हैं कि ये तो अवैध है। तो बी टीम अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, सपा है, बीएसपी है, अदर्स और पार्टियां हैं जो मुस्लिम के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती। जब तक कांग्रेस इस जो मंत्री है उसको नहीं हटाती, तो ये इनका भी वही चेहरा है जो बीजेपी का चेहरा है। तो इस पर तुरंत इस पर संज्ञान लेके राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोले बैठे थे, अब उन्हीं के लोग उन्हीं की नफरत की दुकान, जो उनकी पहले से चलती आ रही थी इसके आजादी के बाद से, वो नफरत की दुकान का आईने की तरह वो साफ हो गया है कि एक सूबे के जो है मंत्री होने के बावजूद वो बता रहे हैं कि अवैध और अवैध निर्माण है। बताइए,
क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज? कांग्रेस भी सांप्रदायिक है, कल तक बीजेपी सांप्रदायिक थी। अब रिजवान साहब आपसे पूछना चाहूंगी, अवैध में धर्म होता है, उधर उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो एनकाउंटर में जाति आ गई है। मैं कह रही हूं कि इस देश का कानून क्या करेगा अगर हर चीज के लिए कोई ना कोई बहाना फिट कर दिया जाए, कभी धर्म का कभी जाति का। ये देश को कहीं ना कहीं डिवाइड करने की राजनीति नहीं है? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जहां तक कांग्रेस की बात है, वो तो सही है कि उनकी मोहब्बत की दुकान में सबसे ज्यादा नफरत बसी हुई है, लेकिन अभी शायद कोई रंगरेज बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, टीवी नहीं है सामने। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया नाविका कि मुसलमान किस पार्टी और किस देश से खुश हैं। भाजपा से भी नाराज हैं, कांग्रेस से भी नाराज हैं, सपा से भी नाराज हैं, सुना था बीच में दीदी से भी नाराज हो गए थे। तो पहले मुसलमान ये तय कर ले कि किस पार्टी से वो फाइनली खुश है और किस देश में खुश है, क्योंकि मैं भी इंटरनेशनल बहुत पढ़ता रहता हूँ, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मुसलमान किस देश में खुश है। एक मिनट चुप रहो, मैं बोल रहा हूँ, होल्ड करो। हाँ, अब बात आई MIMM की, MIMM की, चुप रहो, जहालत ना किया करो चैनलों पे आके, जहालत ना किया करो, ठीक। अब बात आई कि AIMM से खुश है तो बंगाल में जमानत जब्त हो जाती है, गुजरात में जमानत जब्त हो जाती है, दिल्ली के चुनाव में जमानत जब्त हो जाती है, यूपी में सबकी जमानत जब्त हो जाती है। इसका मतलब नेशनल टीवी पर बैठ के आप ये बोल रहे हो कि आपसे मुसलमान बात बहुत खुश है और हर जगह आपकी जमानत जब्त हो जाती है। खैर, मैं मुद्दे पर आता हूं। आज सवाल बीजेपी से भी पूछा जाएगा। आज त्रिपाठी भाई ने यह बोला कि कांग्रेस फंस चुकी है। कांग्रेस तो बाद में फंसी है त्रिपाठी भाई, भाजपा भी फंस चुकी है इस मामले में। धूमल साहब 2007 से 2012 तक आपके मुख्यमंत्री थे, 2010 में इस मस्जिद का पहला वाद दाखिल हुआ था। उसके बाद वीरभद्र सिंह साहब 2012 से 2017 तक आए, जिसमें इस मस्जिद का विस्तार हुआ। उसके बाद जयराम ठाकुर आए 2017 से 2022 तक, जब डबल इंजन की सरकार थी, आप ही के गृह मंत्री थे। तो त्रिपाठी भाई, आज कांग्रेस को छोड़ो, आज आप फंसे हुए हो कि ये अवैध कब्जा भाजपा के पीरियड में 2010 में हुआ, विस्तार कांग्रेस में हुआ, 2017 तक 2022 तक वहां पर लोग आके बसे और आपके मुख्यमंत्री बैठकर शकल ताकते रहे। तो राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए कि भैया, राकेश त्रिपाठी जी, आज तो आपके लिए भी बचना मुश्किल है। मुस्कुरा आप रहे हैं क्योंकि दो फांक तो कांग्रेस में हो गई, लेकिन आपका क्या रोल रहा? बुलडोजर यूपी में तो चल जाता है, यहाँ चलने से क्यों रुक गया? मुझे लगता है चलाना चाहिए था, नहीं चला, इसी वजह से शायद हिमाचल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन पाई। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि अगर कहीं कुछ कमियां नहीं रही होती तो भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता मिली होती, आज कांग्रेस की वहां सरकार नहीं बनी होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। लेकिन हम हर कमियों को स्वीकार करेंगे, हम परिष्कार करेंगे, हम कमियों से मुंह नहीं मोड़ेंगे, कुछ गलत हुआ है तो उसको ठीक करने का काम करेंगे। वेरी गुड। तो फिर मैं तारिक खान साहब आपसे पूछना चाहती हूं। वेरी गुड तारिक खान साहब, कभी आप रेकमेंडेशन देते हैं कि जो टेरर अटैक में हो उनको बरी कर दिया जाए, उनके मुंह से, उनके सर से टेररिस्ट का टैग हटा दिया जाए, कोर्ट से बरी कर दिया जाए उनको? और आज अगर किसी चोर को, जिसने एक ज्वेलरी शॉप को लूटा था हाल ही में और 6 FIR हैं उसके ऊपर, वहां आपको मजहब नहीं तो, और ये माफिया जो हैं इनके भी मजहब हुआ करते हैं, इनकी भी जातियां हुआ करती हैं, या चोर माफिया जो हैं उनकी कोई जाति नहीं होती और कानून काम करता है? मैम, प्रॉब्लम कहां हो जाती है जब हम तराजू को वन साइडेड रखते हैं? पता है मैम हुआ क्या, यूपी के मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर खड़े होकर 16 लोगों में से 2 लोगों का नाम ले सकते हैं, इजाजत है, अधिकार है, शपथ लिया कि बने बगैर भेदभाव द्वेष के इंसाफ करूंगा, और 2 लोगों का नाम लिया उन्होंने, 15-16 लोग थे। इत्तेफाक से क्या हुआ मैम, जो ये लूट हुई इसमें भी 15-16 लोग हैं, लेकिन कार्रवाई अपराधी में भी आप
जाति और धर्म ढूंढ रहे योगी जी, इससे बुरा उस दिन आपका मुख्यमंत्री होना मुझे लगता है नल एंड वॉइड हो गया जब आप अपनी ही शपथ के अगेंस्ट में चले गए, अपनी ही शपथ के, मैं सीधे से कह रहा हूं, आप अपनी ही शपथ के अगेंस्ट में जा रहे हैं, आप ले रहे ना, अच्छा हम कर दे तो हम गुनहगार और आप करें साहब तो जिंदाबाद, ये कैसा न्याय है मैम। और आपने कहा अभी मस्जिद की बात हो रही थी कि वो 2010 से मामला चल रहा है और वो वफ की संपत्ति है, आप तो कहती वफ जिसको कह दे वो मेरा मुकदमा ही नहीं चल सकता, कैसे चल रहा है 2000, वो वफ की जमीन है, वफ बोर्ड रजिस्टर्ड है, कैसे चल रहा है मुकदमा मैम, ये सब क्या हो रहा है, उल्टा पुल्टा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो वक्त जो कहते हैं उसका, उसको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता, कोई ले ही नहीं सकता, वहां जो कहते हैं वो उसी का है, सब क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ, तस्वीरें दिखा देती हूँ कि ये मस्जिद कितनी बड़ी बने, और मैं अनुपम जी से कहूंगी वो तस्वीरें अगर हम दिखा दें, तो एक हिस्सा है जो दो फ्लोर तक की इजाजत थी, पांच फ्लोर बन गया और भी एरिया घेर लिया गया, अब वो तो सरकारी जमीन है, वक्फ की जमीन नहीं है, जहां घेरा गया है वहां पर मंत्री ही बता रहे हैं कि जहां पर घेरा गया है और जो सरकारी जमीन है वहां का तो मुकदमा मेरे भाई चलेगा ही, अब आप ना समझ मैं क्या करूं, आप ना समझ है मैं क्या करूं, लेकिन जाति जाति और धर्म अगर कानून पर हावी होने लगे तो आशुतोष जी ये क्या कहलाता है, जो लोग संविधान को बचाने निकले थे अगर वही जाति और धर्म से संविधान का सौदा करने लगे तो आप इसे क्या कहेंगे। नविका जी अभी मैं बड़े ध्यान से आप सब लोगों को सुन रहा था और मुझे आज बड़ी खुशी हुई इस बात को लेकर, और थोड़ी सी निराशा भी हुई जब मैंने राकेश त्रिपाठी जी को सुना। राकेश त्रिपाठी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हिमाचल में बुलडोजर नहीं चला इसलिए चुनाव हार गए, अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है यूपी में भी बुलडोजर नहीं चला सकते, तो क्या यूपी में भी वही स्थिति होने वाली है क्या। ठीक है, ना तो सरकार न्याय बुलडोजर से चलती है और ना ही किसी अवैध कब्जे से चलती है, अगर वो अवैध कब्जा अगर कांग्रेस पार्टी के जमाने में है तो उसको गिरना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, इसमें किसी तरीके का भेदभाव संभव ही नहीं है। और वैसे अवैध किसी भी जगह की हो, कोई भी जगह हो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है, उन्होंने यहां तक कहा कि अगर सड़क पर अवैध तरीके से अगर मंदिर भी बना है तो उसको भी गिराना चाहिए, तो मस्जिद कैसे खड़ी रह सकती, पर अगर मस्जिद खड़ी है तो इसका मतलब साफ है उसके पीछे राजनीति है, और उसको अगर कांग्रेस पार्टी की शाह मिली हुई है तो ये भी ठीक बात नहीं है। मेरा तो स्पष्ट तौर पर मानना है चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अवैध जगह पर मंदिर बना हो चाहे अवैध जगह पर मस्जिद बना हो चाहे अवैध जगह पर गुरुद्वारा बना हो चाहे चर्च बना हो, अगर अवैध है गलत जगह पर बना हुआ है तो उसको हटना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं बुलडोजर पॉलिटिक्स के सख्त खिलाफ हूं और यही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, और अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर बात समझ में नहीं आती है तो यकीन मान लीजिए आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के साथ साथ कुछ कड़े फैसले भी हो सकते हैं। आशुतोष जी आपने कुछ कहा और देखिए सबके हाथ ऊपर चले गए, पहले राकेश त्रिपाठी जी आपके पास जाते। एक तो कुछ लोग जानबूझ करके झूठ फैलाने का काम करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है, ऑर्डर का पॉइंट नंबर 4 मैं पढ़ करके सुना रहा हूं, दर्शक देख लें इसको। वी अप्रिसिएट द स्टैंड टेकन बाय स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द एफिडेविट फाइल्ड बाय इट। तो सुप्रीम कोर्ट तो अप्रिसिएट कर रहा है कि यूपी सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसमें जो स्टैंड लिया है हम उसको अप्रिसिएट करते हैं। ये कब कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बुलडोजर नहीं चलेगा, कहां कह दिया भाई, 17 तारीख को तारीख लगाई है, सबको इश्यू नोटिस किया है, सबसे सुझाव मांगे हैं कि क्या इस पर गाइडलाइन बनाए जाने की आवश्यकता है या नहीं है। आपने एक तरफा नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी अनाधिकृत अतिक्रमण की जमीन को हम संरक्षित नहीं कर सकते, लेकिन जानबूझ करके पिक एंड चूज करके गलत तरीके से अर्थ निकाल करके नैरेटिव गढ़ने का जो प्रयास होता है ना, ये सफल नहीं होगा। आशुतोष जी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है, तारीख लगाई है, क्या ये नैरेटिव गढ़ने का एक और आपका अप्रोच था। देखिए नविका जी, अब भारतीय जनता पार्टी को पिक एंड चूज करना बहुत अच्छी तरीके से आता, मैं क्या करूं उसके लिए, आपको भी आता है, अच्छे आदमी अच्छे, आपको भी आता है, आपको भी तो महारत हासिल है इसमें। अरे मुझे तो सुन लीजिए, मैं कोई राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता तो हूं नहीं, मैं तो साफ तौर पर पढ़ रहा हूं, इट इज पोजिशन ऑफ लॉ, हाउ कैन एनीबडीज हाउस बी डिमोलिश्ड ओनली बिकॉज ही इज एन अक्यूज्ड, इवन इफ ही इज कन्विक्ट
इट कैन नॉट बी डन विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। सुप्रीम कोर्ट तो साफ तौर पे कह रहा है कि जो बुलडोजर के माध्यम से जिस तरीके से मकान गिराए गए उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर ये टिप्पणी है, और ये टिप्पणी उनकी जो आने वाले समय में हिंदुस्तान बुलडोजर तेलंगाना में भी चल रहा है, आपको दिखा या दूरबीन भिजवाऊं? ना ना, बिल्कुल गलत है। तेलंगाना में बुलडोजर चल रहा वो भी गलत है, और राजस्थान में चला वो भी गलत है, उत्तर प्रदेश में चला वो भी गलत है। राजस्थान और तेलंगाना का बुलवाना पड़ता है, लेकिन रिजवान साहब जवाब देना चाहते हैं। रिजवान साहब जी, जी नाविका, एक तो त्रिपाठी भाई को लाख लाख बधाई, मैंने इतनी साफ बोलने वाला अभी तक प्रवक्ता नहीं देखा जो मेरी बात पर उन्होंने जवाब दिया कि हां भैया हमसे गलती हुई। तो पहली बात तो त्रिपाठी भाई को लाख लाख बधाई नेशनल टीवी पर ये बोलने के लिए जिगर चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, बिल्कुल सही कहा त्रिपाठी भाई ने कि नरेटिव गलत सेट कर रहे हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा नहीं है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हम अवैध ढांचों की बात नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर किसी अपराधी का मकान गिराया गया तो क्या आशुतोष जी को यह मालूम है कि वो वैध था, उसका नक्शा पास था, वो किसी नजुल की जमीन पर नहीं बना था? ये उनको मालूम है? जितने भी हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में केस हुए, जवाब है नहीं मालूम है। क्योंकि ये मान लेते हैं नाविका कि अगर किसी अपराधी का मकान गिर रहा है तो वो बिल्कुल वैध होगा, नक्शा पास होगा। और बतौर अधिवक्ता इन्हें एक बात बता दूं कि अगर आपकी कृषि की जमीन है, कृषि की आपकी, खसरा खतौनी आपके नाम है, और उस पर आप अगर मकान बनाते हैं बिना अनुमति के, तो वो भी अवैध होता है। तीसरी बात का जवाब दे दूं, जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पानी फेंकने की घटना हुई थी वो मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर हुई थी। जब योगी आदित्यनाथ जी ने 2 आदमियों का नाम लिया था, उस टाइम मात्र 3 लोग पकड़े गए थे, बाकी अज्ञात थे। उसके तीसरे, चौथे, पांचवे, सातवें दिन 18 लोग पकड़े गए, ये भी फैक्ट ठीक कर लीजिए। और योगी जी ने यह नहीं कहा था नाविका कि क्योंकि ये मुसलमान और यादव थे इसलिए ये अपराध कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ नाम लिया था। लेकिन इनकाउंटर के केस में अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा है कि इनकाउंटर जाति देख के हुआ है। अखिलेश यादव का बयान और योगी जी का बयान बिल्कुल आपस में, तारिक खान जवाब दीजिए, तारिक खान जवाब दीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी जब बात करते हैं मंगेश यादव की, तो उन सारे लोगों का क्या जिनके एनकाउंटर हुए थे और वो दूसरी जातियों से थे, उनके लिए तो कोई ट्वीट नहीं आया, उनके लिए कोई बयान नहीं आया, उनका कोई दर्द भी नहीं हुआ? मैम कितनी बचकानी बात की गई, अभी वीडियो पब्लिक डोमेन में आ गया था, अच्छा ब्लर हो गई आंखें, सारे लोग नहीं दिखे वीडियो में जो पानी फेंक रहे थे, उसमें सिर्फ 2 खास लोग दिखे, बाकी लोग ब्लर हो गए, दिखाई नहीं दे रहे थे। वीडियो आने से कुछ नहीं होता आदमी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, पड़ता है क्या, मैं आपके बीच में नहीं बोला था डॉक्टर साहब, वीडियो आ गया तो क्या, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, 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 चुप रहिए। रिजवान भाई तारिक खान को बोलने दीजिए, काउंटर का समय दूंगी, लेकिन तारिक खान साहब, वीडियो में लोगों के माथों पर नाम नहीं लिखा होता, यही बात वो कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात खत्म करिए। तुम्हारा बाप बेवकूफ, अरे 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 मेरे भाई नेशनल टेलीविजन पर संयम रखिए, हिमाचल में भी रखिए, यहाँ टेलीविजन पर भी रखिए, उत्तर प्रदेश में भी रखिए, संयम से ही देश आगे बढ़ेगा। लेकिन तारिक खान भाई, आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, वीडियो में बहुत लोग दिख रहे थे, लेकिन आइडेंटिफाई जब तक ना हो लोगों के माथे पे उनका नाम तो नहीं लिखा होता ना। लेट मी से समथिंग मैम, तो चीफ मिनिस्टर, प्लीज चीफ मिनिस्टर शुड हैव वेटेड फॉर इट, उन्हें इंतजार करना चाहिए, इतनी जल्दी थी कि सुबह ही चले गए, लो दो लोगों का नाम दे दो, ये कैसी बात है,
और आपके चैनल पे अपने आप को बेवकूफ कहलाना, आप इसको अप्रिशिएट करती होंगे। अभी इन्होंने हमको बेवकूफ कहा, आपने इनको नहीं डांटा और मुझे कह दिया अरे ये सब नेशनल चैनल पे नहीं कर चलेगा। लेकिन लेकिन तारिक खान भाई, इस माफिया और चोरी के चक्कर में भी कुछ लोग फरार है, कुछ लोगों को पैर में चोट लगी है। आपने कैसे तय कर लिया कि एक ही यादव है बाकी यादव नहीं है? कैसे तय कर लिया कि आप यादव की ही बात करेंगे? राकेश त्रिपाठी जी, इससे पहले मैं आपका जवाब लूं, यहां पब्लिक के बहुत से सवाल आ रहे हैं। भावना का शिमला से सवाल है, हिमाचल के सीएम कह रहे हैं कि मंत्री को संयम रखना चाहिए, तो क्या मंत्री ने कुछ गलत कहा, तो क्या उन पर एक्शन लेंगे? दूसरी तरफ भगवान दास का कोलकाता से सवाल है, कांग्रेस हिमाचल पर फंस गई है, लगता है ओवैसी का नफरत की दुकान वाला तंत्र तगड़ा है, इसलिए क्या कांग्रेस बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रही है? राजेंद्र का पटना से सवाल है, योगी राज में तो विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ और मैंने तो सुना है सुल्तानपुर में कुछ फरार आरोपी भी यादव हैं, फिर योगी की पुलिस पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप कैसे सही है? राकेश त्रिपाठी जी, पहले आप जवाब दे दें लास्ट क्वेश्चन का और फिर मैं कमलाकर जी के से जवाब मांगू। लेकिन अविका, आपने जब ये शो शुरू किया है ना, तो शो के 10 मिनट पहले अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया है और इतनी पीड़ा है ना, इतना दर्द है अखिलेश यादव जी को इस एनकाउंटर में मंगेश यादव के मारे जाने का। एक 1995 में बॉलीवुड में फिल्म आई थी राजा, उसका फिल्म का एक गाना था ना कि चोट तुझे आए तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है, जैसे ही गोली किसी अपराधी को लगती है सीधा दर्द अखिलेश यादव को होता है। यह अपराधी के बीच में और अखिलेश यादव जी के बीच में न जाने कौन सा कनेक्शन होता है कि वो मातम पुरसी करना शुरू कर देते हैं, छाती पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको शायद नहीं जानकारी होगी, तारिक खान को भी जानकारी नहीं होगी, इस पूरे एनकाउंटर में एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। उस सिपाही का नाम नहीं मालूम होगा, उसकी जाति नहीं मालूम होगी, शैलेश राजभर, ये भी पीडीए का हिस्सा है, ये जो पीडीए बताते हैं ना उस पीडीए का हिस्सा है। सिपाही शैलेश राजभर भी जख्मी हुआ है, लेकिन उस शैलेश राजभर के प्रति आपकी कोई सहानुभूति नहीं होगी, आपकी सहानुभूति तो उमड़ेगी बहुत कस करके उस अपराधी के प्रति, मंगेश यादव जिस पर 1,00,000 रुपए का इनाम था, दर्जन भर मुकदमे थे जिसके ऊपर, और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर जैसे जिलों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। वो ज्वेलर्स के यहां लूट करे, वो अपराध करे, उसको हम दामाद बना करके रखे, उसको हम भोजन कराए, उसकी हम जाति पूछ करके फूल माला पहनाए। बताओ ना तारिक खान, क्या करना चाहिए ऐसे अपराधी के खिलाफ जो अपराधी पुलिस पर गोली दागने का दुस्साहस करे? क्या करे पुलिस? हाथ बांध करके बैठ जाए क्या? क्या उनकी आरती करे, पूछे कि आपकी जाति क्या है? अरे आपकी जाति तो कहीं अखिलेश जी वाली जाति तो नहीं है? आपको सिर्फ पैसे दे दे रहे, जाइए दूसरी लूट करिए। जवाब लीजिए, क्या करना चाहिए बताता हूँ, क्या करना चाहिए बताता हूँ। जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और सरकारी वकील को चुप हो जाना चाहिए और कुणाल पांडे अभिषेक को छुड़वा देना चाहिए बलात्कारियों को, कि जाओ बनारस में और बलात्कार करो क्योंकि तुम बीजेपी के हो, और बहन बेटियों का बलात्कार करो क्योंकि बीजेपी की हो। सरकारी वकील से कहा गया कि तुम चुप जाना, कुछ मत कहना, कि ये जब बाहर जाएगा तो गवाह को प्रभावित करेगा। माफ कीजिएगा, ये मुझे समझ में नहीं आया आपका तर्क। अगर वो सिपाही पर बंदूक से गोली दाग रहा है तो जो सिपाही है वो महकमे से कहे कि चलिए सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, गोली छोड़ेगी उसे? कमाल करते हैं आप तारिक खान, जान की कीमत सिर्फ यादव की है, उस सिपाही की नहीं। सवाल ये पूछा था और आपने जवाब जो दिया है, मैं बिल्कुल इससे अचंभित हूं कि आप किस तरह से जाति के हिसाब से सोचते हैं कि कितना संवेदनशील कहां होना है। लेकिन कमलाकर त्रिपाठी जी, सवाल और भी हैं, और सवाल ये है कि दो फांक तो कांग्रेस के अंदर हो गए, क्या ओवैसी जी इसका फायदा उठा रहे हैं? और दूसरी बात, सांप्रदायिकता अगर कांग्रेस में नजर आए तो उसे क्या कहना चाहिए? सेक्युलरिज्म के जो सरगना बने बैठे थे, आज क्या कहेंगे उनको? देखिए नाविका जी, पहले तो आपको बता दूं, बड़ी देर के बाद आप मेरे पास आई हैं, पिछली बार भी आपने मुझे ठीक से बोलने नहीं दिया, इस बार जरा बात सुन लीजिएगा। अभी एनकाउंटर और बुलडोजर की बात हो रही थी, जब आप पिक एंड चूज करते हैं, मुनव्वर राणा का एक शेर है कि सिर्फ इस बात पर उसने मुझे बलवाई लिखा है कि मेरे घर के बर्तन पर ISI लिखा है। जब आप पिक एंड चूज का काम करते हैं, सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या क्रूर तरीके से की जाती है और अजय नारायण सिंह, विजय नारायण सिंह के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई नहीं होती, बनारस में
पीएम की कंस्टिट्यूएंसी में रेपिस्ट एक महीने तक मध्य प्रदेश प्रचार कर रहा होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती बुलडोजर की। जब आप बृजभूषण शरण सिंह पॉक्सो में होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इनकी पुलिस गोरखपुर में मुख्यमंत्री के गृह नगर में कानपुर के व्यापारी की हत्या करती है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इंतजार कर रही हूं। अभी बनारस में आपकी गाड़ी पुलिस के द्वारा सर्राफा व्यवसायी के 42 लाख रुपए में कोई बुलडोजर की कार्रवाई। हिमाचल का सवाल, हिमाचल का सवाल और सारी देश का हिसाब, हिमाचल पर कुछ जवाब है आपका दर्शकों के लिए, पब्लिक जो सवाल पूछ रही है? फर्जी एनकाउंटर पे यूपी के चित्रकूट में फर्जी मुठभेड़ में 15 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज है। आप कांग्रेस पार्टी से हैं, आपसे हिमाचल का सवाल पूछा जा रहा है, आप हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ने को राजी नहीं है? एक मिनट, इसके पहले हंसराज अहिर जो गृह राज्य मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने राज्यसभा में बयान दिया था कि 22 फेक एनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में पूरे देश भर में। कमलाकर त्रिपाठी जी, कमलाकर त्रिपाठी जी, मैंने आपकी सारी बात सुनी, आपको 120 सेकंड भी दे दिए। हिमाचल का सवाल पब्लिक ने पूछा है और इस शो पर मैं पब्लिक के सवाल लेकर आती हूं। अगर आप पब्लिक के सवालों का जवाब देना चाहते हैं तो मैं आपके लिए 5 सेकंड का समय दूंगी, अगर नहीं देना चाहते तो मैं रिजवान भाई से पूछूंगी कि आप बच क्यों रहे। बेसिक चीज ये है नाविका जी, आपको ये बात देखनी पड़ेगी, अगर आप बुलडोजर की अव्वल तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और एक्स्ट्रा जुडिशियल ये जो यानी कि हिमाचल पर आपसे जवाब देना बन ही नहीं रहा है। और रिजवान भाई क्यों कमलाकर त्रिपाठी जी पूरे उत्तर प्रदेश की सैर के बाद हिमाचल पर सवाल का जवाब देने पे इतने असमर्थ है? सुल्तानपुर वाले में क्या कार्रवाई हुई बताएं मुझे। ये इस मारे असमर्थ हैं नाविका, क्योंकि ये 75 साल से मुसलमानों का बेवकूफ बना रहे हैं और आगे इनका इरादा आने 75 साल भी बेवकूफ बनाने का है, बस इसके अलावा इनका कोई ना एजेंडा था ना है। चाहे 8,500 का वादा करके ये बेवकूफ बनाए, चाहे भाजपा के नाम पर सवाल, आज यही पब्लिक पूछ रही है। अतुल कुमार सोनी बिलासपुर से, हिमाचल में कांग्रेस सरकार की नाक के नीचे मस्जिद के अवैध मंजिल का निर्माण कैसे हो गया? क्या कांग्रेस सरकार अब यूपी की तरह बुलडोजर कार्रवाई करेगी? सवाल कई आ रहे हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं। क्यों, क्या कांग्रेस क्लीन बोल्ड हो गई है? यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। लेकिन जाइए नहीं, क्योंकि एक फायर राउंड बाकी है और फायर राउंड में यूपी के इस जाति वाले एनकाउंटर का मसला आचार्य प्रमोद कृष्णम और एसटी हसन के साथ बस दूसरी तरफ।